तवांग पर तनातनी के बीच एलएसी पर भारत ने डिप्लॉयमेंट बढ़ाया। लेह लद्दाख सेक्टर में K9 वज्र टैंक की नई खेप पहुंची। लेह लद्दाख सेक्टर में वज्र टैंक पहले से भी तैनात, अब K9 वज्र का लाइट वर्जन लगाया गया। K9 का ये लाइट वर्जन जिसकी मनुवरेबिलिटी बहुत ज्यादा, पहाड़ों में हिली टेरेन में जिसको ले जाना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बहुत आसानी से अपनी पोजीशंस को एक जगह से दूसरी जगह बदलना और टारगेट हिट करना। यहां K9 वज्र को आप देख रहे हैं। अगली अहम खबर देखिए, एलएसी पर वज्र टैंक से चीन के मंसूबे खाक करेगा भारत। लद्दाख की फॉरवर्ड पोस्ट पर K9 वज्र टैंक की तैनाती। वज्र टैंक पूरी तरह स्वदेशी, DRDO के हजीरा सेंटर में तैयार। और अभी इस समय ये K9 वज्र के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी, और विस्तार से देखिए जरा K9 वज्र। इस K9 वज्र के संदर्भ में अगर उधर आप चाइना समझ रहे हैं, ड्रिल कर रहा है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये कितना फॉर्मिडेबल समझा जा रहा है। अब देखिए जरा, K9 वज्र ऑपरेशनल रेंज 480 किलोमीटर, मारक क्षमता 100 किलोमीटर, स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा, फायर 104 राउंड, वजन 50 टन, गोले का वजन 47 किलो, फायरिंग 360 डिग्री। और ये जो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की आप स्पीड देख रहे हैं, इस तरीके के चेन के साथ जब ये चक्के होते हैं और इस तरीके की टेरेन होती है, उसमें 65 किलोमीटर मतलब गजब की रफ्तार। ऐसे में इतनी मारक क्षमता के साथ, इस मैनुवरेबिलिटी के साथ ये K9 वज्र कितना खतरनाक, कितना घातक हो सकता है, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। जनरल दत्ता, ये जो आप खबरें देख रहे हैं K9 वज्र भी साथ में, आपका रिएक्शन बहुत जल्दी से। देखिए, ऐसा है कि जहां तक चीन की तैयारी है, वो करे जो भी करता है, हिंदुस्तान की फौज किसी और आर्मी से कम नहीं है। और जहां तक ये K9 वज्र का सवाल है, आज के मॉडर्न वॉरफेयर में जब आप एक मिसाइल जो हम बोलते हैं मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करते हैं, उस हालत में आप जब आर्टिलरी फायर करते हैं, तो आपकी आर्टिलरी फायर करके अपनी जगह तुरंत चेंज कर देती है, ताकि दुश्मन आपके ऊपर काउंटर ऑफेंसिव ना कर पाए। इसलिए K9 वज्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक जगह से फायर करने के बाद तुरंत अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। जब तक दुश्मन को उसकी लोकेशन का पता चलेगा कि फायर कहाँ से आया, उसका जो काउंटर ऑफेंसिव आएगा या काउंटर बॉम्बार्डमेंट आएगी, वो इसके ऊपर कोई असर नहीं करेगी। दूसरा क्या है, ये पूरी तरह से आर्मर है, इसके अंदर क्रू पूरी सेफ है, वो खुले में नहीं है, आपको मोर्चे खोदने की जरूरत नहीं है। आपकी जो पोजीशन है, गन पोजीशन, आप जगह जगह चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप मैन्यूवर कर सकते हैं, आप फायर करके एकदम स्कूट कर सकते हैं, right। तो इसलिए K9 वज्र जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिलरी पीस है, जो आपने बॉफर की कहानी सुनी। लेकिन सर, जब दूसरी तरीके से ये K9 वज्र को प्लीज यहाँ पर रखिएगा, लेकिन दूसरी तरफ की तैयारियों के संदर्भ में हम सुनते हैं, और विनोद ऑगस्टीन सर, हम ये सुनते हैं कि चाइना तो अब बायोटेक और जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए ऐसे सैनिक बनाने में जुटा हुआ है जो किसी हल्क, किसी मॉन्स्टर की तरह होंगे। क्या ये सब वाकई चल रहा है उधर, या ये सब ये कहने की बातें हैं सर? मैंने बहुत देर से अपने पीछे ये सोल्जर्स को लगाया हुआ है। CIA ने ये सिंथेटिक जो आर्मी की अपने शो के शुरू में जो बात की थी, CIA ने 2021-22 में ये खुलासा किया था कि ये लोग जो जेनेटिक इसके साथ इसका पूरा लेखा जोखा इनका है, एक ऐसा सोल्जर तैयार कर रहे हैं जो आधुनिक बायोटेक, नैनोटेक और बाकी सारे उपकरणों के साथ क्रांतिकारी प्रभाव ले आएगा ये पूरे वॉरफेयर में। बीजिंग का जो सत्ता की जो खोज के लिए जो उनकी जो नैतिक सीमा है, वो सारी हदें पार कर चुकी हैं गौतम जी, क्योंकि वो एक ऐसा स्टेट है जो पार्टी का स्टेट है। उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग लगा करके सुपर सोल्जर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए ह्यूमन जीन में छेड़छाड़ करके हल्क और मॉन्स्टर और ऐसे सैनिक बनाने के, ऐसे ऐसे अगर ये एक तरीके से सिविल मिलिट्री फ्यूजन हमको दिखाई दे रहा है, और अगर ये जैसा आप कह रहे हैं कि बगैर किसी बात की परवाह किए, बगैर कोई हद तय किए, ये आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, ये कितना बड़ा खतरा देखा जाना चाहिए अशोक सज्जनहार सर? मेरे विचार से दिनेश, ये बहुत बड़ा खतरा
इसको मानना चाहिए, इसको बिल्कुल भी लाइटली हम नहीं ले सकते हैं। एक बात तो ये है, जो भी इंटरनेशनल लॉज और कन्वेंशन है केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर के, ये बिल्कुल उसके विरुद्ध जाता है। तो ये तो अभी जो अमेरिका ने कहा, हमारे पैनलिस्ट विनोद अगस्टिन साहब ने, तो वो अभी वो स्पेकुलेशन है, और भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं स्पेकुलेशन है। अगर कुछ वो पूरी तरीके से मालूम चलता है, ठोस एविडेंस आता है, तो यकीनन जो फेग में ये है, सीबीडब्ल्यू की जो काउंसिल है उसके पास इसको ले जाया जा सकता है, उनके विरुद्ध यकीनन इसके ऊपर काम किया जा सकता है। इसके एक बात मैं और कहना चाहूंगा दिनेश, आपके प्रोग्राम पर जो देखिए आपको याद होगा डोकलाम में भी, उससे उसके बाद भी चीन हमेशा से जिसे कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर, ग्रे जोन वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जो वो अपने ये बताकर, जो मेरे पास इतना ज्यादा साजो सम्मान सामान है, मैं इतने लैस हूं, मेरे इतने सारे जो सोल्जर्स हैं इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, केवल इसी से वो जो अपने प्रतिद्वंदी को है वो डराना चाहता है, वो उसको दबाना चाहता है, और हर केस में वो सफल हुआ है, चाहे वो वियतनाम हो, फिलीपींस हो, या और कोई तो देश। क्या सर, ये अभी जो तस्वीर भारत उसके सामने इन केसों में झुका नहीं है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ड्रिल तो महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो तस्वीरें जारी की जा रही हैं, वो बेशक उन्होंने अपने ऑडियंस के लिए भेजा होगा सीसीटीवी के जरिए, कम्युनिस्ट चाइना टेलीविजन, लेकिन क्या ये बाहर की दुनिया एक्सेस कर लेगी और मैसेज चला जाएगा, ये समझते हुए किया जा रहा है आशीष इस वक्त ये किया जा रहा है? मैं एक बात और जानना चाहता हूं कि 9 तारीख को अगर वो घटना तवांग में पेश आई है, ये उसके बाद शुरू हुआ है, उसके पैरेलल शुरू हुआ है, उसके पहले से चल रहा है, ये क्या है, इसकी टाइमिंग मुझे समझाइए जरा। पीएलए एक ऑक्टोपस की तरह, और ये समझिए कि चाहे वो ताइवान की घटना हो, गलवान की हो, तवांग की हो, या फिर तीन तीन अलग अलग जगहों पर एक्सरसाइज हो, बिना सिंक्रोनाइजेशन के, बिना ये पूरे प्लानिंग के कुछ नहीं होता है चीन में, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, या फिर किसी तरह का सोशल एक्टिविटीज हो, सब कुछ वहां पर कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक ऑक्टोपस की तरह होता है। उसे पता होता है यहाँ पर ये होने वाला है, फिर उसके बाद में वो होगा, इस समय पे ये होगा, और इतनी इंटेंसिटी के साथ में होगा। तो ये समझना कि तवांग की घटना कंप्लीटली कोरिलेटेड नहीं है इससे, ये एक हम मिस्टेक कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि तवांग की घटना भी उन्हें पहले से इंस्ट्रक्शन होगा, हो सकता है दिन या घंटे का एग्जैक्ट डिसीजन नहीं होगा, लेकिन ये करना है, ये आपको लड़ना है, वहां पर किसी तरह का रिएक्शन टाइम देखना है, इंडिया की सेना कितनी तैनात है, कितनी तैयार है, क्या गलवान की वाली बात है या फिर 2020 और 22 में भारत की सेनाएं अलग हो गई हैं, ये सब कुछ उन्हें देखना है और साथ ही दिखाना भी है। तो ये कम्प्लीटली कोरिलेटेड होते हैं, कोरिलेटेड है, ये वेल ऑर्केस्ट्रेटेड है, ये आइसोलेशन में नहीं है, ये तमाम एक जगह चीज अगर हो रही है तो दूसरी जगह से उसका निश्चित रूप से लेना देना है, और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ऑक्टोपस के आप 8 हाथों को देखते हैं, वो चलते तो 8 हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक जो है वो दूसरे के कोऑर्डिनेशन में नहीं चलता, हर कुछ वेल कोऑर्डिनेट। आशीष आपका बहुत धन्यवाद करूंगा, ये जानकारी, ये खबरें, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।